नमस्कार मित्रों, सिद्ध बैली ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक जो क्वेश्चन हमारे पास बार बार आता है कि जो आप प्री फैब्रिकेटेड रिसोर्ट बनाते हैं, कॉटेजेस बनाते हैं, आप उसमें क्या क्या देते हैं। तो देखिए, हमारा जो प्री फैब्रिकेटेड रिसोर्ट का जो रेट है, प्री फैब्रिकेटेड कॉटेजेस का, वो है 1200 रुपये स्क्वायर फीट। ये स्टार्टिंग रेट है हमारा। बट इसमें आपको एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिल जाती है, अच्छा एक घर मिल जाता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, क्योंकि प्री फैब्रिकेटेड घर है, इसका लोड कम है, तो ब्रिक वर्क की फाउंडेशन होती है या पहाड़ों में जो पत्थर होता है उसकी फाउंडेशन होती है। स्पेशली हमें RCC की फाउंडेशन की जरूरत नहीं, लोड तो उतना है नहीं अपने बिल्डिंग में RCC के अकॉर्डिंग। अगर हम कंपेयर करें, ब्रिक वर्क की फाउंडेशन हो गई, हमने कॉलम को 2-2 फिट नीचे ग्राउट कर दिया, हमारा कॉलम हो गया MS का, पूरा स्ट्रक्चर हमने MS का बना दिया। उसके बाद हमारा सीमेंट रोड आता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में काम चल रहा है तो आपका एवरेस्ट आता है, रुड़की भगवानपुर में है, इनकी फैक्ट्री है, 8 mm का हम सीमेंट बोर्ड लगाते हैं, वाटर प्रूफ होता है। और अगर नीचे साउथ साइड चल रहा है तो विशाखा वालों का लगता है, इनकी तेलंगाना में फैक्ट्री है, तो सीमेंट बोर्ड लग गया हमारा मेम्बर के एक साइड। मान लीजिए ये मेम्बर है हमारा, तो इसकी एक साइड ये सीमेंट बोर्ड लग गया, इस साइड भी सीमेंट बोर्ड हमारा अंदर से लग जाएगा। बीच में हमारी जो इतनी भी सप्लाई है, हमारे वायर, इलेक्ट्रिकल वायर, प्लम्बिंग भी आ जाएगा, बाथरूम की साइड प्लम्बिंग आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वायर आ जाएगा, जो जगह बची उसमें आपका रॉकूल इंसुलेशन आ जाएगा। ये रूई की तरह होता है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा, AC डक्ट्स में आजकल जगह जगह लगता ही है ये, तो आपका रॉकूल बीच में भर जाएगा। कंपनी तो 5 से 10 डिग्री का इसमें बोलती है कि आपका डिफरेंस देगा टेम्परेचर, लेकिन 2 से 3 डिग्री का ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि अंदर AC बन जाएगा, बाहर गर्मी हो रही है आपका अंदर 16 डिग्री हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, 2 से 3 डिग्री के अंदर रहेगा। इसमें आपका मॉइस्चर प्रूफ हो जाएगा, साउंड प्रूफ हो जाएगा, एक रूम क्या हो दूसरे रूम में नहीं आएगी, जैसे हमारे RCC घरों में नहीं आती। तो आपका सीमेंट बोर्ड लग गया। अब बाहर से हम सीमेंट बोर्ड के ऊपर लगाते हैं प्लैंक्स, मैं आपको फोटो डाल दूंगा उसकी, हॉरिजॉन्टलिकल लंबी लंबी स्ट्रिप्स आती हैं आपकी, तो प्लैंक्स एक के ऊपर एक लगती चली जाएगी, प्लैंक्स लग जाएंगी। अंदर साइड से आप चाहें तो सीमेंट बोर्ड लगवाई, सीमेंट बोर्ड के ऊपर जिप्सम लगा दीजिए, या तो डायरेक्ट पेंट कर दीजिए उसके ऊपर, किसी वॉल पर वॉलपेपर लगवा दीजिए, बेड साइड वॉलपेपर वॉलपेपर आ गया, सामने TV कैबिनेट बन गया आपका, आपका नॉर्मली बन जाता है। या आप चाहें तो अंदर सीमेंट बोर्ड हटा के सीधे वुडन प्लैंक्स लगा सकते हैं, तो ये इसमें आ जाता है। इसमें हमारा फैन हमारी तरफ से रहते हैं। बाथरूम में अब किसी बोर्ड के ऊपर हम टाइल लगाते हैं, बाथरूम में एकदम टॉप तक, जो भी 7 फिट 8 फिट 9 फिट जो भी हाइट में आपको बाथरूम से, ऊपर तक हम टाइल लगाते हैं। नीचे हमारी टाइल हम कजारिया में डील करते हैं, तो कजारिया की टाइल लग जाएंगी। आपका इलेक्ट्रिकल्स में अप्रूव मेक भी बताता हुआ चलूँ आपको, कौन कौन सा मेक लगाते हैं। हेवल्स की वायर्स लग जाएंगी, और सीमेंट बोर्ड का हो गया हमारा। हेवल्स की वायर भाई जो MS स्टील था वो अपोलो का था, अपोलो हो गया, सीमेंट बोर्ड हो गया, हेवल्स की वायर हो गई। प्लम्बिंग तो आपको देखिए पेरी पेरी हिंदुस्तान, जैगवार, जैगवार फिटिंग्स में ये सभी चलता है। टॉयलेट सीट जो हमारा बाथरूम रहेगा उसमें आपकी एक इंग्लिश टॉयलेट सीट, एक वॉश बेसिन, शावर सेक्शन रहेगा पूरा, तो ये आइटम रहेंगे। और आपका एंटी स्लिपरी टाइल्स लग जाएंगी, और जो भी है लाइट आपकी मॉड्यूलर लगेंगी, पूरी डिजाइनिंग डेकोरेटिव लाइट्स आ जाएंगी। फॉल्स सीलिंग फिर ओके, आपको आता है फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग में हमारे पास एज पर बजट ऑप्शन रहते हैं। वैसे 1200 स्क्वायर फीट में PVC वुडन शेड में दे देते हैं, आपको जिप्सम भी देते हैं। जिप्सम में क्या है, बहुत सारे कस्टमर को मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है, जिप्सम में हल्का सा ही पानी पड़ गया तो दाग छूटता नहीं है, फिर आपको पेंट करना पड़ेगा उसको, तो वो एक प्रॉब्लम ही है। जिप्सम का जॉइंट तो एक इंटरनेशनल लेवल का ही प्रॉब्लम है, लेकिन वो वाइब्रेशन पे ही आएगा, ऐसे जब तक हम मारेंगे नहीं कुछ होने वाला नहीं उसको। तो जिप्सम की सीलिंग हो गई। ऊपर जो GI सीट है वो 0.5 की GI सीट रहेगी, आपको कॉरोगेशन में चाहिए, मतलब जैसा पठाल से होता ना, एक के बाद एक के बाद एक वैसा, और या तो नॉर्मल नाली चाहिए तो मिलेगी आपको। और उसमें भी हम जो कलर देते हैं, तो हमारा लाल और ग्रीन हम जरा कम देते हैं, हमें उतना वो क्या है, वो उतना पैसों का नहीं लगता है, वो सस्ता लगता है। तो हमारा जो रहता है ग्रे, वाइट जाएगा, ब्लैक जाएगा, ज़्यादा क्लाइंट को पसंद नहीं आता है, सुन के देख के सबको पसंद आता है ब्लैक, ब्लैक अच्छा लगता है। ब्लैक के साथ क्या है ना, नीचे कुछ भी कलर करो, ब्लैक तो यार है ना, ऊपर शर्ट ब्लैक है तो नीचे कुछ भी चलता है। तो
उसमें उसके बाद जो भी है आपका रूप स्लोप में आ गया, उसके डाउन टेक्स पाइप आ जाएंगे सारे। आपका पानी ऐसा नहीं छड़ 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 गिर रहा है सब जगह, डाउन टेक्स पाइप आएंगे, प्रॉपर नालियाँ बनेंगी। और ये हो गया हमारा रिसोर्ट बन गया ना अंदर से पूरा। अब हमारा इसी रेट में 1200 में पूरा नालियाँ बन के 100 फीट बनेगा आपका, पूरी लैंडस्केपिंग बनेगी, पूरा रास्ता बनेगा हर कॉटेज में आने का, चारों तरफ लाइटें लगेंगी बाहर पे, गार्डन लाइट्स जो होती है हमारी, मून लाइट होती है जो लाइट हमारी, ये सब लाइटें लग के पूरी बाउंड्री होके रिसोर्ट आपको प्रॉपर रेडी मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि आप, क्योंकि हमें भी ये सब करना है ना, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कॉटेज मैंने बनाई और मैं, सर मेरा बस कॉटेज के काम था, मैं तो चला, फिर क्लाइंट बेचारा बन तो गई उसकी कॉटेज, अब कहाँ जाएगा, अब वो ढूंढ रहा है कोई 100 फीट बनाए, कोई ये करे, या मैं क्लाइंट बोलूँ सर आप फाउंडेशन बना के रखो, मैं आऊँगा कॉटेज बनाऊँगा, आप अलग है मैं अलग है, ट्रैक पे नहीं है, इसलिए अब सारा काम एक साथ लेके हम करते हैं। अच्छा हमारा कैसा है कि आप हमें माल लेके दे दीजिए, हम सर ये मटेरियल हमारा लगता है, आप मार्केट से लेके दीजिए और लेबर कॉस्ट दे दीजिए, क्योंकि यार अपने तो 10 से 15 काम तो हर टाइम चलते रहते हैं। इस टाइम आप, इस टाइम पैसों के पीछे भागने वाली बात नहीं, इस टाइम अब नाम वाली बात है। वो 2013-14 में थी वो बात, वो जी में मिले अलग करने गए, अभी वो सीन नहीं है जरा। तो देखिए ये है, और 8 से 10 रिसोर्ट, 8 से 10 कॉटेज में आप जाइए, एक अच्छा रेस्टोरेंट, क्लाइंट के बैठने का ओपन गिलास, ओपन व्यू, जो विंडो, अच्छा जो विंडो होगी वो एल्यूमिनियम की विंडो होगी, स्लाइडिंग विंडो, 1200 रुपये में। अब UPVC चाहिए तो हल्का सा बढ़ जाता है रेट, केवल विंडो का बढ़ेगा, ऐसे नहीं कि 1200 का 1300 का, क्योंकि एक आप देखिए एल्यूमिनियम की विंडो में पड़ती है 5000-5500 की पड़ती है, UPVC 8000-9000 की पड़ती है, 4-5 हज़ार का ज़्यादा है, ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। और फ्लश डोर रहता है आपका, मॉडुलर डोर रहेगा, जो दिखने वाला आइटम है एक एक ऐसा है, आपको लगे दिखाई देगा कि पैसा लगा है, पैसा उसमें नहीं बचाना है जो आइटम दिख रहा है, और ना कि इसमें बचाना है जो स्ट्रेंथ है, लोहे पे ही पैसा नहीं बचाना है, ना सीमेंट पे पैसा बचाना है, पैसे बचाने के लिए बहुत कुछ होता है उसमें, आप 5-10% एक्स्ट्रा जोड़ के चलिए ना, आप जोड़ के एस्टिमेट में चलिए, वो एक्स्ट्रा है बचाना ही क्यों, आप ओवरऑल पैकेज में निकाल ही देते हैं ना। तो हमारा ये कि अब हम पूरा रिसोर्ट आपका लैंडस्केपिंग से लेके सब कुछ, लैंडस्केपिंग में आपके पाम ट्रीज आ गए, आपके फ्लावर्स आ गए, पाथवे फ्लावर्स, पाथवे ट्रीज बोथ साइड आ गए, आपका किड्स प्लेइंग एरिया इस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है, जो आपने बहुत सारी सोसाइटीज में देखा होगा झूले वूले लगे रहते, बट आपको चाहिए होगा वो, तो वो भी 2.5 से 3 लाख में आपने किसी भी सोसाइटी में देखा होगा, इतने में बन जाता है। तो प्री फैब्रिकेट राउट का ये 1200 रुपये में, 1200 रुपये स्क्वायर फिट में आपको एक बढ़िया चीज़ मिल जाएगी, और बनाने में टाइम लगेगा जी आपका, देखिए 60 वर्किंग डेज, बारिश वारिश नहीं, 60 दिन के अंदर आपको बन के रेडी, आप क्लाइंट लगाइए चढ़ाइए रूम आप 60 दिन का, कोई दिक्कत ही नहीं। पेंट इसमें सब कुछ नॉर्मल ही होता है, केवल हमारा सीमेंट बोर्ड और लोहे का स्ट्रक्चर, बस यही दो चीज़ें अलग है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, जैसा हमारे RCC घर बनता है वैसा ही बाकी सब बनता है। ये है सर इसका रेट, बाकी लगता है सारे आइटम्स तो हमने कवर कर ही दिए हैं इसमें, सारे तो डिटेल्स कवर हो ही गई हैं, बाकी जो पानी वानी की फिटिंग्स है वो तो बता ही दिया मैंने आपको, वॉल के अंदर ही जैसा जो MS है इसमें होल होके आपका पाइप निकल जाएगा, तो यहीं पे नल फिट हो जाएगा, सीमेंट बोर्ड से कवर हो गया आपको, तो पता जैसा ये घरों में होता है वैसे पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ गया है, कुछ भी नहीं, बनने के बाद आपको कभी पता नहीं चलेगा आपका कौन सा। और अगर आप खुद से बनाने जाते हैं हमेशा ध्यान दीजिए, जहाँ पे भी वो 2 सीमेंट बोर्ड लगाए आपस में, 8x4 का एक सीमेंट बोर्ड आता है बड़े बड़े वो, उसके बीच में वो 4 mm का कम से कम ग्रुप छोड़े, गैप छोड़े, क्योंकि इसमें थर्मल एक्सपेंशन होती है गर्मियों में सर्दियों में, तो वो थर्मल एक्सपेंशन के लिए जगह छोड़े, नहीं छोड़ेगा तो वो क्रैक कर जाएगा, उसको फिर जो कंपनी का सीलेंट आता है सीलेंट से प्रॉपरली भरे, तब आपका ये 4-5 साल में आपको 0 मेंटेनेंस रहेगी। हमारी खुद हम 1200 रुपये स्क्वायर फीट में स्टार्टिंग के 4 साल मेंटेनेंस फ्री है हमारा, तो आप देखिए फिर कुछ कुछ पिक्चरें मैं बीच में डाल देता हूँ आप देख लीजिए उनको भी, बाकी फिर जैसा आपको चाहिए, विंडो साइज भी आपको बड़ा चाहिए, हिल का व्यू चाहिए, बड़ा टफन गिला चाहिए आपको, बस प्रॉपर्टी में कोई पत्थर न मारे बच्चा आपको देखना पड़ेगा, बाकी तो वैसा कोई दिक्कत नहीं हमारी साइड से, कोई
आइटम जितना अच्छा बन पाए, अपने जेब से लगे कुछ पैसे वो और बढ़िया है, बस आइटम बढ़िया बनना चाहिए एरिया में सबसे अलग। ठीक है, फिर आप देखिए उसके बाद जो भी क्वेश्चन होता है बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे उसका।